الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات الله پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم شعائر الہی کا احترام کرو شعائر الہی کی تعظیم کرو اس لیے کہ شعائر الہی کی تعظیم تقویٰ ہے شعائر اللہ کیا ہیں یہ اللہ کی نشانیاں کون سی ہیں کہ جن کے احترام کو اللہ دلوں کا تقویٰ بتا رہا ہے تو قرآن مجید میں کوئی فہرست بیان نہیں ہوئی ہے شعائر اللہ کے سلسلے میں کہ اللہ نے کوئی لسٹ یا کوئی فہرست بیان کی ہو کہ یہ چیزیں شعائر اللہ ہیں کیونکہ قرآن مجید اشاروں میں اور کنایوں میں گفتگو کرتا ہے لہذا اس نے بطور مثال دو مقامات پر شعائر اللہ کا تذکرہ کیا ہے ایک صفا اور مروہ کے لیے اور دوسرے قربانی کے جانور کے لیے اس نے کہا کہ دیکھو یہ صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں یہ شعائر اللہ ہیں اور پھر ایک مقام پر فرمایا کہ یہ قربانی کے جانور یہ بھی شعائر اللہ ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو کیوں شعائر اللہ قرار دیا یا اس قربانی کے جانور کو کیوں اللہ نے شعائر اللہ بنایا تو جہاں تک صفا اور مروہ کا تذکرہ ہے صفا اور مروہ کے درمیان ایک نبی کی ماں ایک نبی کی جان بچانے کے لیے دوڑی تھی اس نے کوشش کی تھی اور جو قدم ان پہاڑیوں سے ایک نبی کی جان بچانے کے لیے مس ہو گئے تو اللہ نے ان پہاڑیوں کو شعائر اللہ بنا دیا تو بس اب یہی سوچنے کی جا ہے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر
एक नबी की माँ के कदम नबी को बचाने के लिए किसी पहाड़ी से मस हो जाएं तो उन्हें अल्लाह की निशानी कहा जाता है। तो अब जाहिर सी बात है कि वो आइम्मा और अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रें कि जिन्होंने अल्लाह के दीन को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, कुरान की बचाने के लिए ख़ुद अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, तो अगर ख़ुद उनकी कब्रों का एहतराम किया जाए या ख़ुद उनका एहतराम किया जाए तो फिर ये बिदअत और शिर्क नहीं, ये भी शायरुल्लाह है, ये भी अल्लाह की निशानी है। तो जहाँ एक तरफ सफ़ा और मरवा को कहा कि ये कुर्बानी, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, वहीं दूसरी तरफ कुर्बानी के जानवर, अब इस कुर्बानी के जानवर में क्या खसूसियत है कि अल्लाह ने इसको अपनी निशानी बनाया है? तो कुर्बानी के जानवर की खसूसियत सिर्फ इतनी है कि जनाब इब्राहिम जिस वक्त जनाब इस्माईल को लेकर मीना में पहुँचे हैं और आपने छुरी जनाब इस्माईल के गले पर रखी, तो अल्लाह ने इस्माईल की जगह पर दुम्बे को भेज दिया और इस्माईल ज़बह होने से बच गए और दुम्बा जो था वो फिदिया करार पाया जनाब इस्माईल का। तो अगर एक जानवर किसी का फिदिया करार पाए और एक नबी की जान बचाने का ज़रिया बन जाए तो उसे अल्लाह अपनी निशानी करार देता है। तो अब जिस हस्ती ने और जिस शख्सियत ने ख़ुद अपनी जान ही को उसकी बारगाह में कुर्बान कर दिया हो, तो अब जाहिर से बात है अगर कुर्बानी का जानवर अगर वो शायरुल्लाह हो सकता है तो जिसने ख़ुद अपने को अल्लाह के लिए कुर्बान किया हो, तो अब जाहिर सी बात है कि वो शख्सियतें और उन शख्सियतों की कब्रें क्यों अल्लाह ताला की निशानी करार नहीं पाएंगी? क्योंकि ये हफ़्ता जन्नतुल बकी का हफ़्ता है और 8 शव्वाल वो तारीख है और वो दिन है कि जिस तारीख और जिस दिन को जन्नतुल बकी में मौजूद मज़ारों को मिसमार कर दिया गया। इस जन्नतुल बकी में वो हस्तियां मदफून हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगियां इस्लाम के लिए वक्फ कर दी थी, चाहे खुद जनाब जहरा की ज़ात हो या खुद इमाम हसन मुश्तबा हो या हमारे चौथे इमाम हो या पांचवें और छठे इमाम हो, ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने अपने को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया था। इनकी कब्रों को मिसमार शिर्क कहकर मुनहदिम किया गया कि इनका एहतराम शिर्क है, इनका एहतराम बिदत है, जबकि खुद आलम इस्लाम की अहादीस की किताबों में और रवायतों की किताबों में, तारीख की किताबों में न जाने कितने वाक़यात हैं, न जाने कितनी रवायतें हैं कि जहां खुद पैगंबर कब्रिस्तान जाते थे, कब्रों के करीब खड़े होते थे, उन जाने वालों के लिए दुआ करते थे। तो अगर कब्रों का कुछ फ़ायदा नहीं है या उन मुर्दों को कोई कुछ नहीं पहुंचता है या उनका कोई एहतराम नहीं है, तो फिर पैगंबर क्यों एहतराम करते थे? और पूरे आलम इस्लाम, पूरा आलम इस्लाम इस बात के ऊपर मुत्तफिक है और ख़ुद जन्नतुल बकी में भी आज भी जैसे ही आप दाखिल हों एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और
और उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह जब कब्रिस्तान आते थे तो ये दुआ पढ़ते थे, रसूलुल्लाह जब कब्रिस्तान आते थे तो अहले कबूर को इस तरीके से सलाम करते थे, रसूलुल्लाह जब कब्रिस्तान आते थे तो इस तरीके से इन कब्रों का एहतराम करते थे, उसी बोर्ड के ऊपर, और बाकायदा सही बुखारी और सही मुस्लिम के हवाले से लिखा हुआ है कि उनकी ये हदीस है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर रसूलुल्लाह कब्रिस्तान आते थे और वो सलाम करते थे, तो अगर रसूलुल्लाह सलाम करते थे तो अब अगर कोई रसूलुल्लाह का उम्मती जाकर कब्रिस्तान में किसी अल्लाह वाले की कब्र के सामने खड़े होकर उसको सलाम करे तो फिर ये बिदअत कहाँ से होगा, ये शिर्क कहाँ से होगा? अगर रसूलुल्लाह का कब्रों का एहतराम करना सुन्नत है और सवाब रखता है तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर रसूल का हर अमल उम्मत के लिए हुज्जत होता है, दलील होता है। तो अगर रसूलुल्लाह कब्रों का एहतराम करते थे, कब्रिस्तान में जाके अहले कबूर को सलाम करते थे, तो जाहिर सी बात है कि अब अगर कब्रिस्तान में जाके कोई सलाम करता है, कोई कब्रों का एहतराम करता है, और वो भी आम हस्तियां नहीं बल्कि वो कि जिन्होंने अपनी जिंदगियां इस्लाम के लिए और कुरान के लिए वक्फ कर दी हों और उसी की राह में दुनिया से रुखसत हुए हों, तो फिर अब उनकी कब्रों का एहतराम शिर्क और बिदत नहीं होगा बल्कि इबादत होगा, बल्कि सुन्नत होगा। और जन्नतुल बकी की जिसमें मशहूर रवायत की बुनियाद पर खुद जनाब सिद्दीक ताहरा की कब्र, उसके अलावा चार मासूमों, चार इमामों की कब्रें, इन चार इमामों की कब्रों के अलावा न जाने कितने पैगंबर के खुद ख़ानदान के और पैगंबर की असहाब और पैगंबर के ताबईन और ताबईन के साथ साथ तब ताबईन और न जाने कितनी शख्सियतें और न जाने कितनी हस्तियां इसी कब्रिस्तान बकी में दफन हैं। और ये जो रोज़े तामीर हुए थे तो कोई ऐसा नहीं है कि अभी तामीर हुए हों, बल्कि इनकी रोज़ों की तामीर की भी एक तारीख है, दौरे कदीम से इन कब्रों के ऊपर रोज़े थे और मुफ्तियान दीन और बुजुर्गान इस्लाम जब भी मदीने आते थे, बकी में जाते थे, बकी में जाने के बाद इन कब्रों के करीब खड़े होकर सलाम करते थे, इन रोज़ों को देखते थे, इन कब्रों का एहतराम करते थे। तो जब पूरा आलम इस्लाम और पूरे आलम इस्लाम के बड़ी बड़ी हस्तियां और बड़े बड़े मुफ्तियान दीन और बड़े बड़े आलिमान, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन अगर वहाँ पर आकर सलाम करते थे, उनका एहतराम करते थे, तो फिर वो एक फ़िरके की नज़र में वो चीज़ शिर्क कैसे हो गई, वो चीज़ बिदत कैसे हो गई? और शिर्क कहाँ होता है? शिर्क वो चीज़ होती है कि जहाँ किसी चीज़ को अल्लाह के मुकाबिल में लाकर खड़ा कर दिया जाए, वो होता है शिर्क। कि अगर कहा जाए कि या अल्लाह की इबादत के अंदाज में उसकी इबादत की जाए तो वो होता है शिर्क। लेकिन यहाँ के ऊपर न तो कोई सजदा कर रहा है, न कोई रुकू कर रहा है, इन कब्रों को, कब्रों का एहतराम कर रहे हैं, कब्रों के करीब आगे खड़े हो रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, कब्रों को बोसा दे रहे हैं, तो खुद सजदा करना किसी को तो शिर्क समझ में आता है, रुकू करना किसी के लिए ये तो शिर्क समझ में आता है, लेकिन सलाम करना किस इस्लामी फ़िरके में शिर्क हो गया? एहतराम करना किसी भी फ़िरके में शिर्क कैसे हो गया? जितने भी इस्लामी फ़िरके हैं सब में सलाम भी है, कलाम भी है, एहतराम भी है, जिंदों का भी, मुर्दों का भी, जिंदों का भी है, मुर्दों का भी है। तो न सलाम शिर्क है, न कलाम फिर शिर्क है, और न ही एहतराम शिर्क है। यहाँ पर जन्नतुल बकी में
या जन्नतुल बकी के अलावा हमारे जो भी आइम्मा अलैहिस्सलाम के रोज़े हैं, उन रोज़ों में अगर हम जाते हैं तो अकीदत के साथ उनको हम सलाम करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनसे कलाम करते हैं। और किसी भी रवायत में और किसी भी हदीस में इन बुज़ुर्गान दीन से कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह की राह में खर्च कर दिया और उसी की राह में अपनी ज़िंदगियों को निछावर और निसार कर दिया, न तो उनसे कलाम करना शिर्क है, न उनसे सलाम करना शिर्क है, और न उनका एहतराम शिर्क है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत की दुश्मनी, और इस दुश्मनी में अहले बैत की इन कब्रों को और इन रोज़ों को मुनहदिम किया गया, और जो आज तक मुनहदिम हैं। और हमारा एहतजाज भी है और हमारी दुआ भी है हर साल कि इन मिसमार कब्रों के ऊपर जल्द से जल्द इंशाअल्लाह शानदार रोज़े तामीर हों। यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलात वस्सलाम की अगर आप ज़िंदगियों के ऊपर नज़र करें तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की पूरी ज़िंदगियां की हकीकत में जब तक हयात रहे उन जालिमों के जुल्म का निशाना रहे कि जो उस दौर में हुकूमतें रहीं, जो उस दौर में अफराद रहे, और शहादत के बाद भी ये जुल्म ख़त्म नहीं हुआ है। अमीरुल मोमिनीन, आपने सुना है कि अमीरुल मोमिनीन ने खुद वसीयत की थी कि कब्र के निशान को मिटा देना। जनाब फातिमा जनाजा उठा है तो रात को उठा है, और अमीरुल मोमिनीन ने एक कब्र नहीं बल्कि 40 कब्रें बनाई थी। अमीरुल मोमिनीन का जनाजा उठा और निशान कब्र को मिटा दिया गया। इमाम हसन का जनाजा उठा, चाहा कि नाना के पहलू में दफन करें, होने नहीं दिया नाना के पहलू में दफन, बकी में लाकर दफन कर दिया। इमाम हुसैन का जनाजा करबला के मैदान में बेघोरों कफन पड़ा हुआ है। या इसी तरीके से तमाम आइम्मा अलैहिस्सलाम की अगर ज़िंदगियों के ऊपर आप नज़र करेंगे तो जहाँ ज़िंदगी मजलूमियत में गुजरी है, वही दुनिया से रुखसत भी मजलूमियत के आलम में हुए हैं। और हकीकत में इससे बड़ी मजलूमियत क्या होगी कि जिन हस्तियों का एहसान पूरे आलम इस्लाम के ऊपर, पूरी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर, आज उन्हीं हस्तियों की कब्रें इस तरीके से वीरान हैं, लेकिन जन्नतुल बकी में इन आइम्मा अलैहिस्सलाम के मज़ारात मुक़द्दसा को ख़िताब करके और इन हस्तियों को मुखातब करके इतना कहना चाहूँगा कि यकीनन आपकी कब्रों के ऊपर आज साया नहीं है, आपकी कब्रों के ऊपर आज रोज़े नहीं हैं, आज आपकी कब्रें वीरान हैं, लेकिन इन जालिमों ने आपकी कब्रों को वीरान किया, रोज़ों को मुनहदिम किया, लेकिन किसी ने खुद लाश को पामाल तो नहीं किया। लेकिन करबला के मैदान में आइए, जैसे ही फिजाए करबला में आवाज़ गूंजी, अला कुतल अल हुसैन व करबला, अला ज़ुबह अल हुसैन व करबला, अज़ादारों फौजें भागने लगीं, शादियाने बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, इसी दरमियान उमर साद एक मरतबा रकाबों में जोर दे के खड़ा हो गया, आवाज़ देता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, अभी तो एक बहुत बड़ा काम बाकी है। का अब क्या काम रह गया, हुसैन तो कत्ल कर दिए गए। बस एक मरतबा ये मलून कहता है, नहीं, अभी हुसैन की लाश को घोड़ों की टापों से पामाल करना है। अजादारों 10 बड़ी बड़ी टापों वाले घोड़े आगे आए, इमाम का लाशा दरमियान में रखा गया, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, अजादारों बहन फरियाद करती रही और भाई का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल होता रहा। अला लानतुल्लाह अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन, सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबियन क़लबून, बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बआलिहा व बनीहा। बार इलाह हमारे इस ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। माबूद शब जुमा है, शब मग़फ़िरत और शब रहमत। मालिक हमारी तौफीकात में इजाफ़ा फरमा, हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। मोमिनीन जहाँ जहाँ भी आबाद, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। जो मोमिनीन मरीज़ हैं उनको शिफा अता फरमा, जो दुनिया से रुख़सत हो चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा। मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को इमाम के ग़ुलामों और उनके नासिरों में शुमार फरमा। हम सब की तमाम दीनी और दुनियावी हाजतों को पूरा फरमा।
وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ।